भैया स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। गाड़ी में सोडा भी रख गया कोई और बर्फ भी रख गया, बस दारू की कमी है। वाओ मेरे ऊपर ही फेंक दी। आओ लग रही है बढ़िया एकदम। ये देखो स्नोमैन बनाते हुए बच्चे। भैया जैगुआर भी फंस चुकी है, ये मार गया इसकी। हमें लगा था हम निकल चुके हैं पर ये सामने एक और लॉर्ड ऑल्टो हमें मिल चुकी है फंसी हुई, है ना। पाइपर कैसे इसके अंदर जम गया बेचारा। हाथ भाई साहब काम करने बंद हो चुके हैं इस टाइम पे। और भाई देखो स्कॉर्पियो एन का एक और डिसएडवांटेज। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे धनौल्टी, यहाँ से 5 किलोमीटर उधर ही, क्योंकि इस वाले होटल में तो रूम थे नहीं, थे सिंगल वाले थे, दूर दूर थे, एक वहाँ एक नीचे। मैं फैमिली है उस हाउस में, मतलब फैमिली रूम कोई अच्छा था नहीं। मैं कि चलो फिर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं 5 किलोमीटर। बाकी हम तो, हमें तो कोई टेंशन है नहीं, मसूरी चले आएंगे, देहरादून चले आएंगे, कहीं भी चले आएंगे जब मन करेगा तो, है कि नहीं, है नहीं बच्चों। ये सारे के सारे वैसे भी 2 बजे से पहले सोते ना आजकल, है 3 बजे सो रहे हैं आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो लोग हैं जो सोते हैं वो वैसे गाड़ी में सो जाते हैं। भैया स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, अब पता नहीं तुम्हें दिख रही नहीं दिख रही। देखो देखो सामने स्नो स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो साइड वाले के बोनट पे तुम्हें दिख रहा है तो, ये देखो देखी बहुत तेज हो रहा है स्नोफॉल। भाई पता नहीं तुम लोगों को दिख रही नहीं दिख रही पर देखो, ये देखो ये देखो कैसे पड़ रही है, कैसा लग रहा है बच्चों, यहाँ फोटो भी अच्छा आएगा। फंस गई आगे आगे वाली तो पता नहीं, ये वाली फंस गई। पर ये सब करने को तैयार हो टू व्हील ड्राइव गाड़ी में तो आ जाओ, बर्फ दिखा दूंगा। ये सब नहीं करना तो फिर स्कॉर्पियो ले लो, बर्फ दिखा दूंगा। और बर्फ भी देखनी है और पैसे भी खर्च नहीं करने तो ऑल्टो ले लो, बर्फ दिखा दूंगा। भाई कहीं भी चली आती है, जाती है ना, कहीं नहीं अटकती है। तो भाई अभी धनौल्टी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं। और उधर एक होटल देखा था वो ऐसे ही गंदे से रूम थे उसमें, तो बाकी यार अभी सुनसान सा हो गया क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, लगभग 10 बजने वाले। तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। सीन ये है कि भाई अभी आगे क्या है, आगे पूरे में स्नो ही स्नो है, तो भाई सुबह लगेगा जाम, क्योंकि हमें बताया यहाँ पे क्या होता है, जो लोग रुके अब सुबह यहाँ से जाएंगे स्नो देख के, अब वो भाई पूरे में जाम लगेगा, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ जाती है टू व्हील ड्राइव गाड़ियाँ और वो सब फंसती हैं। और जब फंसेंगी, ये सोडा किसने रख दिया हमारी गाड़ी पर? कोई नहीं भाई, हमारे गाड़ी पर सोडा भी रख गया कोई और बर्फ भी रख गया, बस दारू की कमी है। हाथों में क्या करता, हाथों पे ऊपर पूरे में ना वो लगेगी, क्या कहते हैं जाम लग जाएगा। तो मैं क्या अभी निकल लेते हैं चाय वाली, प्लेन में जाकर रुक जाएंगे, देहरादून रुक जाएंगे, मसूर रुक जाएंगे। अच्छा जी विष्णु जी, तुम भी दिखाओगे, ब्लॉगर बन रहे पूरे हैं, आइस जम गए भाई पूरे में। देखो मैं आ चुकी है, आ जाओ दीवी एक बार, कहीं स्नो में रुक के ना इसे कूदवा देना, से बहुत मजा आया कूदने में। स्नो में कूदवा देना, स्नो में कूदना है, जंप करना है। उस दिन मैं उस टाइम पे मैं उतार रहा था तब तो उतरी थी, जब ठंड लगी थी ना तब पड़ रही थी, ठंड लग रहा था ऊपर से, ही से डर लग रहा था उस टाइम, वहां दे रहा था या लाइट है इस वजह से, लाइट भी और ऊपर से गिर रही थी तो इसे वो बहुत अजीब लगती थी। तो भैया अभी हम निकल चुके हैं दोबारा से प्लेन एरिया की तरफ, इन लोगों का हो गया यहाँ पे मैगी पैगी सबने खा ली। और तुम्हें पता ही है ये सारे के सारे चमगादड़ हैं, ये रात भर सोते नहीं है, जगते रहते हैं, तो उसके लिए हम उधर पे क्यों इसलिए नहीं हो सकता हम नीचे जाके सोए, पर मुझे लगता नहीं है जिन जिस हिसाब से इनका हिसाब चल रहा है, मैंने कह रहा हूँ कहीं नीचे जाके सोएंगे अपने, ये अब नीचे अपने अपने रूम में, हम ऊपर अपने रूम में। अच्छा अच्छा ए रूरू अब समझे हम मम्मा को, है ना। अब हम जो है रात में देहरादून तो जाएंगे ना, हाँ देहरादून से। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बीचों बीच, ये क्या कर रहे हैं, ये बीचों बीच गाड़ी मोड़ने का क्या मतलब बनता है। तो गाइस हमें करानी है फोटो, तो भाई उसके लिए हम गाड़ी को अभी टर्न करके खड़ा कर रहे हैं और गाड़ी हमारी स्कीट मार जाती है बार बार, अभी देखना तुम कैसे गाड़ी स्कीट मारेगी। अरे बस नहीं खाई है पीछे भाई, इन लोगों को चैन नहीं आया, इन्होंने कहा दोबारा से एक बार यहाँ गाड़ी लगाओ, हमें दोबारा फोटो खिंचवाने। तो भैया ठंड में दोबारा से फोटो क्लिक हो रहे हैं इन लोगों के, गाड़ी की लाइट जला के देख रहे हो तुम, ये होना चाहिए भाई जज्बा, पूरा मजा आ रहा है इसे। इसका कैप पहन दो, हाँ इसके फिर अंदर नहीं जाएगी बस।
रूडा डांस डांस रुरु रुरु ये लो बॉल 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 बनाते हैं रुरु रुक जाओ ये लो बॉल बॉल ये तो वाओ मेरे ऊपर ही फेंक दी इन्हें देखो भाई फोटो नहीं खत्म हो रही इनके भाई समरथ के भाई टोपा तो लगा लो पहली बार स्नो नहीं देखी पहली बार स्नो फॉल देखा है मम्मी स्नो तो बहुत बार देखी मम्मी ने भाई बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ये देखो ये असली फाइट शुरू अरे ना लुढ़क गया ओ ये विश्व भैया पलट वार करिए भैया तो पूरा उसे लड्डू बनाते हैं उसका भाई इन लोगों को चैन नहीं आ रहा इन लोगों ने दोबारा ये कहा कि भाई गाड़ी रोको हम और फोटो क्लिक करवाएंगे ये देखो लोग देखते हुए जा रहे हैं कर क्या रहे हैं बेसिकली ये था कि मेरे पे जैकेट भी नहीं थी तो ज़्यादातर वैसे रुक सकते थे तो मम्मी ने मेरी जैकेट पहन रखी थी मैंने वो ले ली और वीशु के पास एक और जैकेट रखी थी मैंने स्टैंड की वो हमें अभी याद आया तो हाँ तो अब वो मम्मी को मिल गई है क्योंकि वो मेरी आई नहीं वो मीडियम साइज की है आप ढक चुकी है भाई गाड़ी अब लग रही है बढ़िया एकदम लो लो वहाँ बैठो मैं खींचूंगा सामने बैठ जाओ सामने ये देखो स्नोमैन बनाते हुए बच्चे ठंड भी नहीं है दूर को देखिए एक बार दूर गाड़ी में अंदर बैठी हुई है आराम से मस्त चूचू टीवी देख रही है वो ये इनका कैसा स्नोमैन बना रहे हैं पता नहीं यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है बनाओ बनाओ हाथ बना दो इसके ऐसे कौन भगता है नहीं ये सोना का है सोना भगती है ऐसे भाई ये है स्कॉर्पियो है नई जिसके अंदर वाइपर आते ही नहीं है अबे वाइपर गायब हो गए वाइपर गायब इतनी सिर्फ हो गिर रही है तो सिर्फ जम गई है सर पे भी जम गई है तो भाई ये बार बार रुक जाते हैं भाई मैं देखो मेरी गलती नहीं है इस बार ये सारे के सारे के थोड़ा सा और थोड़ा सा चलते हैं कोई अच्छी जगह दिखती है यहाँ पे रुक जाओ देखना शीशा कैसा हो गया है बढ़िया हो रहा पर एकदम मौसम स्नोफॉल फाइनली मिली गई हमने भी ढंग से अगर स्नोफॉल ऐसी वाली जो देखी है सीवन हमने देखी है एक शिमला में यहाँ क्यों फेंक रही हो तुम एक देखी थी शिमला में और शिमला के बाद हमने देखी ये कि जिसमें गाड़ी ढक जाए शिमला में खैर पूरी गाड़ी ढक गई थी मैं लाइट भी ऐसे साफ कर रहा था यूं हाँ भैया जैगुआर भी फंस चुकी है अब बताओ तुम क्या करोगे अभी हम निकल रहे हैं सुबह तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे ये भी अच्छा डिसीजन लिया हमने यहाँ से निकलने का सुबह वो पूरा कीचड़ बन जाता है ब्लैक एस बन जाती सुबह जैगुआर भी ना निकल पा रही रियर व्हील ड्राइव है ये गाड़ी ये भी नहीं निकल पा रही बताओ ये क्या कर रहे हैं अभी अच्छा गाड़ी निकल गई तो इसलिए रुक के उतार रहे हैं तो भाई वो जैगुआर निकाली थी लोगों ने वो दोबारा फंस गई साइड में आते तो ये कुछ भी लिया भैया यहाँ पे तो अच्छी अच्छी गाड़ियां भी बोल जाती हैं भैया चलाने ड्राइवर के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है वो बंदा एकदम से बहुत रेस दे रहा है मैं उसको भी समझा था कि आराम से रियर व्हील ड्राइव है वो गाड़ी पर आराम से चला आराम पर वो ये पी पा के हैं हरियाणा के नंबर दाओ तो अब लौंडे को तुम कहाँ समझाओगे हरियाणा वालों को यूपी वालों को नहीं समझा सकते हरियाणा वालों को कैसे समझाओगे नहीं समझा कोई किसी को नहीं सकता ना हम से बता ही सकते हैं पर वो तुमने बोल दिया ना यूपी 12 वालों को नहीं समझा सकते यूपी 12 नहीं बोला मैंने बोला यूपी वालों को नहीं समझा सकते यूपी 12 कहाँ से आ गया इसमें यूपी 12
हाँ बीस यूपी 12 है ना मुजफ्फरनगर। तो भाई रात में देखो ये हाल है कि लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, आगे भी देखो वो चल रहे हैं क्योंकि भाई गाड़ियां स्लिप कर रही है बहुत भयंकर वाली। तो सोचो इनका ये हाल है तो सुबह क्या हाल होगा। तो हमने एक बहुत सही डिसीजन लिया है कि ठीक है स्नो देख लिया, अपना स्नोफॉल देख लिया, सब कुछ देख लिया, अपना नीचे चलो, क्यों फालतू में भीड़ में अपना फंसना है ना। वो आगे देखो दो तीन लोग वहां पे पैदल पैदल चल रहे हैं, अब तो दो ही गाड़ियां हम निकल भी जाएंगे। सुबह तो इतनी लाइन लगी होगी ना कि हम निकल भी नहीं पाते, जाम में फंसे रहते। ये देखो बाइक वाले, बाइक वाले तो बेचारे बहुत ही परेशान होंगे इस टाइम। तो भैया इको स्पोर्ट भी फंस चुकी है, अब इको स्पोर्ट को धक्का देके निकाल रहे हैं लोग। भाई इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी को धक्का मारना पड़ रहा है और ये डटसन की गाड़ी को ऐसे चल जा रही है और ये भाई साहब अभी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, इको स्पोर्ट को धक्का मारा जा रहा है। कैसे यार मेरी फेवरेट गाड़ी को धक्का, मेरे तो दिल पे सांप लौट रहे हैं भाई। ओहो ये घूम गई भाई, ये घूम गई ये मार गए इसकी ये तो गई भाई। फिर से मोमेंटम बना, फिर से गाड़ी आगे उछल दी। भाई सामने हमारे SX4 वाले जी भैया फंस चुके हैं, बहुत ही देखो कैसे स्किड मार रहा है। कर तो रहा, उसने टायर कर तो रखा उधर जाने का। भाई टायर जल गए इसकी, टायर जल गए। हाँ, टायर जल गए। वो तो बीच में ले जाओ, वो बैठा लिया जी को ब्लॉगिंग को देख के भैया भी हंस रहे हैं। वीसू जी देख यहाँ गाड़ी फंसी हुई है तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो हैं? देख स्माइल ले वीसू भैया की। हाँ अरे आगे बहुत गाड़ी फंसी हुई है, हमें ऐसी चीजें चलना पड़ेगा। वो तो ये है कि हम रात में निकला है, दिन में तो हमारी रेल बन जाती। ये लॉन्डे लगे हुए हैं, इनके पास भी फोरा फोरा और हमारे पास भी फोरा फोरा। तभी किया वाला आगे चला गया था भाई, इसकी गाड़ी उठा के साइड में बोल रहे जय श्री राम। ये आगे देखो ये जो पाजी है इसकी गाड़ी है, इसकी उठा के भाई साहब उधर रख रहे, ये कह रहे जय श्री राम। मैंने कहा भाई गाड़ी पलट हो गई क्या इसकी। भाई सब लोगों को हम जो है पीछे छोड़ के फाइनली अपनी गाड़ी को निकलवाते हुए बड़ी मुश्किल से निकलवाई हमने, दूसरों को धक्का देते हुए दूसरी गाड़ियों में इधर-उधर करके तब हम निकल गए। भाई हमारी फोर है बड़ी, वो तो है क्या, बड़ी मुश्किल से हम निकलवा के लाए। मतलब दूसरों को बोला कि भाई पीछे फैमिली है और हमारी फोर हमारी निकल जाएगी, तुम साइड में हो जाओ तो निकलेगी भी नहीं। तो उन्हें थोड़ा धक्का देके आगे पीछे करके जब जाके हम निकलवा के आए भाई हम, और क्या भाई सही में उनकी निकल नहीं सकती। देखो ज्यादा नहीं है, फिर भी वो पूरा कोशिश कर रहे थे भाई, वहां कम थी टिकट भी ज्यादा थे। नहीं वो बीच-बीच में है, कहीं कहीं कम ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। ये नीचे तुम देख रहे हैं पत्थर से लग रहे हैं, ये पत्थर नहीं है ये स्नो है। हमें लगा था हम निकल चुके हैं पर ये सामने एक और लॉर्ड ऑल्टो हमें मिल चुकी है फंसी हुई। अब इसको भैया आगे पीछे करवाना पड़ेगा, हमारे वीसू जी गए किसी साइड में कर ली जाए। अरे भाई चलो निकल तो गई चलो बस इतनी जगह होता हमारे लिए, तो हम तो इसमें निकल जाएंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद। विष्णु ने बता दिया वैसे कि आगे मत जाओ। वो कुछ ही लोग होते हैं जो धनोल्टी तक होके आते हैं, उन्हीं को कहते हैं दिव्य सिंह। तो भाई अभी हम मसूरी से नीचे आ गए, ये है मसूरी देहरादून रोड और यहाँ पे हमने इस पेट्रोल पम्प के नीचे अपनी गाड़ी लगाई है क्योंकि ये बार बार वाइपर चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अब स्नो तो नहीं पड़ रही, अब नीचे पूरे में रेन है, बारिश पड़ रही है तो बार बार वाइपर चलाना पड़ेगा और इसने वाइपर पूरा इसके अंदर जम गया है तो दिक्कत कर रहा है, आवाज़ सी कर रहा है मतलब वैसे। तो मैंने कहा पर ये पूरी जो स्नो है इसको साफ कर देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। उधर की निकाल देना वहाँ से, वो जो उस साइड में वाइपर के ऊपर जो आ रही है ना, वाइपर कैसे इसके अंदर जम गया बेचारा, वो भी करा होगा क्या करवा रहे भाई। हाथ ठंडे हो गए भाई, ये स्नो और गाड़ी की यहाँ पूरे बोनट पर स्नो थी, छत की तो क्या थोड़ी सी निकाली है, बाकी देखो यहाँ पड़ी हुई है ये सारी स्नो निकाल दी, उसके बाद भी इतनी स्नो पड़ी हुई है। देखो कितनी निकाले, मेरे हाथ भाई साहब काम करने बंद हो चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि बर्फ़ को ऐसे हाथ से निकालना अलग ही बात है, ठंडी का लगवा था कि भाई ठंडे में तुम चुपचाप अपने हाथ जेब में दे लो, जब बर्फ़ को तुम निकालोगे ना
फिर गए। वाइपर तो साफ कर दिया, आई होप सब सही काम करेगा। लाइट पर ही मार दिया उन्हें इसीलिए कि लाइट पर ही बर्फ जमी पड़ी थी आधी आधी। इधर तो अभी भी है, लाइट आएगी। शिट 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 शिट, हाथ ऐसा हो जाता जलने को भाई, जल गया हूँ। अभी हिम्मत नहीं है, चलो अब चल रहे। सब तो सो रहे हैं, पीछे वाले नहीं सो रहे, देख नहीं सो रहे, नहीं सो रहे। अच्छा अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, अब खाया जाएगा खाना। सोए के 4 बजे कैंडी लेके आइए, जगते ही कैंडी शुरू। आ गई, जगो और मीठा खाओ हैं। अच्छा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे प्राणी बैठे हैं पराठे के इंतजार में। हाथ ही तो दिया पराठे और चाय। स्नोफॉल देखा? स्नोफॉल देखा नहीं देखा? इतना स्नोफॉल देखा कि तुम थक गए। स्नोफॉल देख देख के थक गए तुम इस बार। चलो भाई फाइनली स्नोफॉल हम 10 से 15 मिनट देख सकते थे। फिर तो वही और ये बढ़िया आराम निकला है। नहीं तो भाई साहब जो हालत थी ना वहाँ से आते टाइम हमें ही पता है, बस क्या बताएं। आधी चीज़ें दिखाएंगे हमने तो व्लॉग में, आधे से ज़्यादा चाहिए तो दिखा नहीं सकते। इतनी गाड़ियाँ बची थी सुबह तो मुझे लगता नहीं फंसे जाते हैं वहाँ पर। सुबह तो वही है, शाम ही हो जाती है, मैं अपने घर पहुँचते पहुँचते। और जाम अलग, हाँ हो सकता है शाम के अलग अपनी गाड़ी निकालने में। कल शाम से गाड़ी निकाल गए हो भी सकता है। पाठा आ गया, पाठा पराठा के पराठे का बाप है। खाना खा लो, खाना खजाना हो गया। अब चलते हैं भाई घर की तरफ। विशु जो है विशु जी जाएंगे यहाँ से सहारनपुर और हम जाएंगे यहाँ से मेरठ। चलो लास्ट चाय, चीयर्स। लास्ट चाय इस ट्रिप की, हमारी लास्ट नहीं है। तो भाई विशु जी को हमने जो है मुजफ्फरनगर के रोड पे छोड़ दिया, वो यहाँ से जाएंगे सहारनपुर और हम यहाँ से जाएंगे मेरठ। हमें लगेगा 1 घंटा, उन्हें लगेगा लगभग 1.5 घंटा। खाना हमने खा लिया था सबने, चलो चलते हैं। बताओ सब लोग यहाँ पर जग चुके हैं और हम यहाँ पर सोने की अभी जो है कगार पे पहुँच चुके हैं, तो जाके सोएंगे। जब दुनिया सोती है हम जगते हैं, जब दुनिया जागती है हम सोते हैं। हैं इतना खुश क्यों हो रहे हो? घर आ गए? सो भाई अभी हम आ चुके हैं घर। और भाई देखो स्कॉर्पियो एन का एक और डिसएडवांटेज देखो, सामने देखो सामने वाली गाड़ी का दिख रहा है, फ्रंट के शीशे खुले हुए हैं और शायद संदूक भी खुला हुआ है। सो ये बेसिकली क्या होता है, चाबी में थोड़ी देर दबा के रखो इसको और इसके शीशे खुल जाते हैं, और दो और लॉक वाले बटन को थोड़ी देर दबा के रखो तो शीशे बंद हो जाते हैं बाहर से ही। पर क्या है, गलती से चाबी जैसे जेब में रखी है और गलती से ये वाली बटन दब गई तो पता भी नहीं चलेगा, उसके शीशे खुल जाते हैं। तो देखो अरे रात भर इसके शीशे खुले रहे, इनको पता नहीं है। पर अब तो चलो सुबह होगी तब तो ये देख ही लेंगे। अब तो खैर कोई क्या ही ले जाएगा गाड़ी को, गाड़ी तो खैर कोई कहीं नहीं ले सकता, कैमरे लगे हुए। पर ये है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है, ये मेरी गाड़ी के साथ भी एक बार हुआ था, तो क्या कर सकते हैं।